जिला हमीरपुर में लगातार छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी गर्ल्स कॉलेज में रेप का मामला शांत नहीं हुआ कि इसके साथ ही आज एक और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसमें कॉलेज छात्रा ने तंग आकर हौसला दिखाते हुए हमीरपुर ASP के समक्ष जनवादी नौजवान सभा की अगुवाई में एक शिकायत दर्ज करवाई है। बता दें कि कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की ने हमीरपुर के एक युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। इसी को लेकर आज छात्रा और जनवादी नौजवान सभा के सदस्य ASP हमीरपुर से मिले और कार्यवाही की मांग की। छात्रा का आरोप है कि युवक पिछले एक महीने से अश्लील छेड़छाड़ी कर रहा है और रास्ते में आते जाते भी परेशान करता है। जनवादी नौजवान सभा के अध्यक्ष अनिल मनकोटिया ने बताया कि ASP हमीरपुर से मिलकर छेड़छाड़ के मामले में जांच करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस निष्पक्षता के साथ कार्य नहीं कर रही है और लड़की को डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे पता चलता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इस तरीके से पिछले कल एक लड़की पुलिस में कंप्लेन करती है और उसके साथ जो छेड़खानी की घटना वो वहाँ पर बयान करती है। उसके बाद जो रवैया पुलिस का जो रवैया था, एक मीडियोकर को बीच में लाकर डरा धमका कर जो है वो लड़की को कंप्लेंट वापस लेने के लिए वहाँ पर दबाव बनाया जाता है। हमें समझते हैं कि जिस तरीके से ये सारी घटनाएं हो रही हैं, अगर जो रेप की घटनाएं हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले कुछ समय से लगातार जो बढ़ रही हैं, जो कि बहुत शर्मनाक है, उसमें अगर पुलिस का रवैया इस तरीके का रहेगा, लड़कियों की जो आवाज़ है, जो महिलाओं की आवाज़ है, अगर वो अपनी फरियाद लेकर पुलिस के सामने जाते हैं, वहाँ पर अपनी इंसाफ की वहाँ पर मांग करते हैं, और हम ये देखते हैं कि पिछले काफ़ी समय से पुलिस इस तरीके का जो तौर तरीका है, अगर कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस के मीडियोकर्स वहाँ पर होंगे, BJP की सरकार है तो BJP की मीडियोकर्स वहाँ पर होंगे, और वो सारा वो पैसे का लेन देन सारी चीज़ें वहाँ पर चलती हैं। और ये सारी चीज़ें हम समझते हैं कि ये बलात्कार की घटनाओं को बढ़ावा देने का ये जो काम है, इसकी ऐसी जो हरकत जो पिछले कल जो हुई है, ये सारी अगर उनको महिलाओं का वहाँ पर बचाव को लेकर कोई कड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे तो सारी घटनाएं घटेंगी। हम ये मांग करते हैं कि प्रदेश के अंदर जो है वो जो कानून व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से लागू किया जाए, जो महिलाओं की सुरक्षा है उसको लेकर जो है सरकार कड़े कदम उठाए, और जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पर जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटीज़ का गठन करें, जो लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कॉलेजेस में शिक्षण संस्थानों के अंदर जो है वो सेमिनार्स कंडक्ट करें, अवेयर करें, ताकि इस समाज के अंदर जो है आने वाले समय के अंदर इस तरह की घटनाएं घटित ना हो। वही लड़की ने बताया कि पिछले कल उन्होंने पुलिस थाना में युवक के खिलाफ छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज करवाया है, लेकिन पुलिस ने इसमें कोई कार्यवाही नहीं की है। लड़की ने बताया कि उसे शिकायत वापस लेने के लिए डराया धमकाया जा रहा है। आपको बता दें कि छात्रा ने ASP हमीरपुर से इस मामले की गंभीरता से जांच करने के लिए मांग उठाई। थाने में गई थी तो मैंने वहाँ पे कंप्लेंट की थी और एक लड़का है वो मेरे को एक से मतलब तंग करता है और गाली गलौज करता है, और पुलिस वालों ने मेरी कोई भी सुनाई नहीं की। उन्होंने मेरे को और धमकाया और बोला कि मतलब तेरे साथ भी कुछ भी हो सकता है, कल को आज मेरे को डरा रहा है, कल किसी और को भी डरा सकता है, मेरे को डरा डरू के मतलब ये कर लिया। आप अकेले गए थे कंप्लेंट लेके कि आपके साथ कोई गया था? रूम में गए थे। आप यहाँ हेडक्वार्टर लेके रहते हैं? हाँ जी। कितने बजे गए थे आप? 1 बजे गई थी। कल 1 बजे ना? हाँ जी, कंप्लेंट लिखाई थी 1 बजे और 4 बजे 5 बजे उन्होंने बुलाया। ओके। फिर उसके बाद मैंने मना किया था। वो लड़का भी आया था? हाँ जी। अच्छा, फिर क्या बोला उन्होंने? उन्होंने मैम कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने मैंने बोला था कि कॉम्प्रो नहीं करना है, तो अच्छा। उन्होंने मेरे को और मतलब साथ ही मुकर जा रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ना गाली गलौज। समझौता करने का दबाव बना रहे थे। हाँ जी। हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।